उसमें जो है वो हमारे जितने भी औकाफ कमेटी के मेंबर्स हैं, चेयरमैन साहिबान हैं, जितने भी हमारी मसाजिद्स हैं उनके इमाम हैं, उलमा साहिबान हैं, जितने भी बड़े बड़े दानिश्वर हैं, या जितना भी हमारा खासकर यहाँ पे जो PRIs हैं और जितने भी यहाँ पे जो लोकल NGOs हैं, या जितना भी, और सबसे बढ़कर जो हमारा यहाँ पे यूथ है जिसको मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ मैसेजेस के थ्रू, जिनके साथ मेरा रابطہ जो है वो हमेशा रहता है, तो मैं उनको आज सलाम पेश करता हूँ कि जिस जज्बे के साथ आपने जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोविड मैनेजमेंट का जो है वो साथ दिया है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए सो दैट के लोगों को इसको कम से कम नुकसान हो या लोगों को नुकसान ना हो। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आज मुबारकबाद के हकदार जो है वो पुलवामा की आवाम है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो जो भी इकदाम हमने कोविड मैनेजमेंट के लिए या कोविड के मिटिगेशन मेजर्स लेने के लिए जो भी इकदाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो यहाँ पे उठाए हैं, उनको जो है हमने पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें मेरी खुद की भी रही है, जैसे आपने देखा भी होगा कि हर तहसील के अंदर गया हूँ, उलमा इकराम से मैंने मुलाकातें की हैं, PRIs के साथ मुलाकातें की हैं, हमारे जो यहाँ पे यूथ हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं, सो दैट के किस तरीके से हम जो है वो कोविड को लेके जो है इसकी मैनेजमेंट अच्छे से करें जिससे लोगों की जानों को नुकसान कम हो। उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ आंकड़े जो है वो नंबर शेयर करना चाहता हूँ कोविड के रिलेटेड। सबसे पहले हम ये आते हैं कि हमारे पास आज के डेट में कितने नंबर ऑफ केसेस हैं। हमारे अभी जो है वो लगभग 2500 के करीब जो है वो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिसके अंदर उन एक्टिव केसेस को जो है वो ज़्यादा परेशानी ना हो, वो ज़्यादा फैलाए ना, उसके लिए हमने जो है वो अभी तक 86 के करीब जो है वो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं, और उन जोन्स को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जिसके अंदर लगभग 244 टीम्स हमारी जो सर्विलेंस टीम है जो काम कर रही है, उनका मेन मकसद ही यही है कि किस तरीके से जो भी उसमें सिम्टोमेटिक पेशेंट है या किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक फॉर्मेट है कि किस तरीके से हम उसके ऊपर उनकी रीडिंग्स लेते हैं, और अगर कोई भी ऐसा इकदाम जो है वो उठाया जाए उसके लिए जो है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो हम एनालाइज करके उस पर स्टेप्स लेते हैं।